हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इलेक्ट्रिक फैन सॉल्यूशन चैनल पर। और आज हम आपको पांच पंखुड़ी वाला फर्राटा फैन मोटर किस तरीके से भरना होता है उसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना, गारंटी है आप आसानी से सीख जाएंगे। तो ये उसी फैन का मोटर है और ये हमारे दोनों कॉइल के सेट हैं। ये हमारा रनिंग का है जिसमें कि चार कॉइल्स हैं, और ये है स्टार्टिंग का सेट, इसमें भी चार कॉइल्स हैं। और आगे वीडियो में इसके वाइंडिंग डाटा और कनेक्शन हर एक चीज़ की बात करेंगे। और ये हमारे पास 7 नंबर पीवीसी से एक पेपर है जो कि कॉइल को लॉक करने के काम आएगा। तो इस तरीके से हम रखकर मोटर को भरेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमको रनिंग कॉइल का सेट डालना होता है। तो रनिंग कॉइल का सेट डालने से पहले आपका जो कॉइल पिच रहेगा वो 1 से 4 1 से 6 रहेगा। और अब आप ये पहली कॉइल देख पा रहे हैं, इसमें जो ये वायर है इसको अपनी साइड में रखना है और इसको ऐसे ही रेंडमली किसी भी एक स्लॉट में फिल कर देना है। तो हमने एक स्लॉट में डाल दिया है और बीच में 2 स्लॉट छोड़ देने हैं, फिर चौथे स्लॉट में डाल देनी है। और अब हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको डालना है। और ये जो वायर है ये हमें अपनी साइड में रखना है, और ये जो वायर है ये हमारी दूसरी कॉइल से कनेक्ट है, और बीच में 2 स्लॉट छोड़े गए हैं। तो इसी तरीके से पहली कॉइल आपको डालना है और इसके ऊपर ग्रीन पीवीसी सीट लगा देनी है, जिससे कि इसके ऊपर एक और राउंड आएगा जो कि स्टार्टिंग का होगा, जो कि आसानी से इस पर फिट हो जाएगा, यानी कि इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें हमने पीवीसी सीट लगा दिया है और अच्छे से इसको साइज कर लेना है। और अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर आगे हम वाइंड करेंगे। अब इसके फ्रंट साइड जो कॉइल है उसका प्रोसेस दिखा देते हैं आपको। अब आपको इसमें किस तरीके से मोड़ कर डालना है कॉइल को, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों उंगली रखकर इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से, और सावधानी से खींच के जस्ट इसके दोनों पड़ोस वाले स्लॉट में इधर और उधर दोनों में फिल कर देना है। तो देख सकते हैं अभी हम फिल करके आपको दिखा देते हैं इस तरीके से। और जो बची हुई कॉइल है उसको टोटल फोल्ड करके उसी स्लॉट में डाल देना है जिसमें कि हमने अभी डाल रखा था। तो देख सकते हैं अब आपको आसानी से दिख रहा होगा, तो हमें इसमें डाल देना है और इसके ऊपर से वाइट पेपर 7 नंबर पीवीसी सीट लगा देनी है, जिससे कि कॉइल हमारी लॉक हो जाएगी। और पीवीसी सीट लगाते समय ध्यान रखें कोई वायर खींचना जाए, सावधानी पूर्वक आपको पीवीसी सीट लगानी है। तो इसी तरीके से इधर भी थोड़े थोड़े वायर करके डाल देने हैं और फिर ऊपर से पीवीसी सीट लगा देनी है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देकर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप आसानी से मोटर वाइंडिंग करना सीख सकते हैं, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और अब हम आपको बता दें कि इसमें हमने 31 नंबर एल्युमिनियम वायर का यूज किया है रनिंग कॉइल में, और स्टार्टिंग कॉइल में हमें 32 नंबर यूज करना है। और रनिंग कॉइल की जो लंबाई होगी वो हमें 20.5 इंच रखनी है। और अब हम डालते हैं दूसरी कॉइल और इसमें कितने टर्न दिए गए हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहले आप दूसरी कॉइल को डालना सीखिए। तो देख सकते हैं ये पहली कॉइल का इनर वायर हमारी तरफ है और आउटर वायर जो है दूसरी कॉइल से कनेक्ट है। तो इसको हम डाल कर आपको दिखा देते हैं कि आपको किस तरीके से डालना है। तो इस तरीके से आपको नहीं डालना है, आउटर टू आउटर होना चाहिए, यानी कि पहली कॉइल का आउटर है वो हमारी दूसरी कॉइल के आउटर वायर से कनेक्ट रहना चाहिए। तो देख सकते हैं दूसरी कॉइल के आउटर से पहली कॉइल का आउटर कनेक्ट है, और जो दूसरी कॉइल का इनर है अपनी साइड में होना चाहिए, तब भी आपका सीरीज कनेक्शन सही माना जाएगा। तो देख सकते हैं इनर वायर अपनी साइड में है और पहली कॉइल का आउटर दूसरी कॉइल के आउटर से, ये देख सकते हैं, जुड़ा हुआ है। वाइंडिंग में दोस्तों बस यही कनेक्शन आपको सीखना होता है, इसमें जो कुछ आपका समय लग जाए बस उतना ही समय लगता है मोटर वाइंडिंग का काम सीखने में। फिर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप जो है आसानी से रिवाइंडिंग कर पाएंगे।
और आपको दूसरी तीसरी और चौथी कॉइल को एक एक स्लॉट छोड़कर डाल देना है, जैसा कि हम दूसरी कॉइल एक स्लॉट छोड़कर डाले हैं। तो देख सकते हैं एक स्लॉट छोड़कर हमें डालना है और फिर बीच में दो स्लॉट छोड़कर जस्ट उसके पड़ोस में तीसरे वाले स्लॉट में डाल देनी है। और अब ये हमारी पिच एक से चार हो चुकी है, इसी को दोस्तों पिच कहते हैं हम। तो अब आप देखिए ये सीरीज कनेक्शन हमारे दोस्तों, हम सीरीज कनेक्शन आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं कि सीरीज कनेक्शन यदि आप सीख गए तो मोटर वाइंडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम इसके जो बची हुई कॉइल थी उसको हम इंस्टॉल करते हैं। और अब बची हुई कॉइल हमारी, इसको किस तरीके से फोल्ड करके डालना है आप वो देख लीजिए। और तब तक हम वाइंडिंग डाटा की बात कर लेते हैं। इसमें जो वायर नंबर है वो हमारा 31 रहेगा और इसकी लंबाई 20.5 इंच रहेगी। और इसमें जो टर्न दिए जाएंगे वो 160 टर्न होंगे। तो ये हमारा रनिंग का वाइंडिंग डाटा हो गया जो कि कॉइल हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में 32 नंबर यूज होगा, टर्न 160, लंबाई 20 इंच। तो ये वाइंडिंग डाटा आप इस्तेमाल करें और अपने पंखे को हाई स्पीड में रिवाइंड करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारा पंखा जो है वो लंबे समय तक वर्क करता रहे तो इस वाइंडिंग डाटा को इस्तेमाल करना ना भूलें। एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें, फिर आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि कितना काम का है ये वाइंडिंग डाटा हमारा। तो अब आप देख सकते हैं हमने एक साइड के वायर्स को डाल दिया है और अब दूसरी साइड के वायर्स को हम डाल देते हैं। तो देख सकते हैं हमारी दूसरी कॉइल हो चुकी है कंप्लीट। और अब फिर बात आती है सीरीज कनेक्शन की, तो इसको फिर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी दूसरी कॉइल का जो इनर वायर था उससे हमारी तीसरी कॉइल कनेक्ट है। और अब इसको हमें आगे इस तरीके से डालना है कि तीसरी कॉइल का इनर और दूसरी कॉइल का इनर आपस में मिलना चाहिए। तो अब हम कॉइल को डाल रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं हम सीरीज कनेक्शन। तो देख सकते हैं ये दूसरी कॉइल का जो इनर है वो तीसरी कॉइल के इनर से मिल रहा है और जो तीसरी कॉइल का आउटर है वो चौथी कॉइल के आउटर से कनेक्ट है। तो अब एक स्लॉट छोड़ देना है और अगले स्लॉट में फिल कर देना है, फिर दो स्लॉट छोड़ देना है और उसके अगले स्लॉट में फिल कर देना है। तो अब आप कनेक्शन देख सकते हैं, इस तरीके से आपको सीरीज कनेक्शन करने हैं क्योंकि ये जब आप स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे तब भी ये काम आएगा। बस यही कनेक्शन करने होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं हमारी तीसरी कॉइल भी हो चुकी है कंप्लीट उसी तरीके से और ये हमारे हैं सीरीज कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं पहली कॉइल का इनर हमने छोड़ा था और आउटर को आउटर से मिला रखा है और इनर को अगले इनर से मिला रखा है और तीसरी कॉइल का जो आउटर है वो भी चौथी कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद में आपको दिखाएंगे। तो अब आपको चौथी कॉइल कैसे डालनी है, इसका जो बचा हुआ सिरा है ये वाला, ये हमको अपनी साइड कर लेना है बस, और इसमें कुछ नहीं आपको मिलाना है। सिर्फ बीच वाली दो कॉइलों में ही आपको ध्यान रखना होता है, बाकी पहली और चौथी कॉइल का जो हम सिरा छोड़ते हैं कनेक्शन के लिए वो अपनी साइड करके डाल देना होता है बस। तो देख सकते हैं ये हमने अपनी साइड को सिरा छोड़ दिया है और तीसरी कॉइल का आउटर है वो अपने आप जाके चौथी कॉइल के आउटर से कनेक्ट है। तो देख सकते हैं हमारा रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट। सेम इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग कॉइल का भी इंस्टॉलेशन करना है। तो अब हम आपको स्टार्टिंग कॉइल डालकर दिखा देते हैं जो कि इन वाले स्लॉट में पड़ेंगी जहाँ की हमने ग्रीन पीवीसी सीट लगा रखा है। तो चलिए करते हैं इंस्टॉल स्टार्टिंग कॉइल का। तो पहली कॉइल ले लेना है और इसका जो सिरा है वो अपनी साइड में करके बस सेम इसको ऐसे ही डाल देना है। तो अब हम आपको डालकर दिखाते हैं। तो इसको इस तरीके से डालना है और आपको जहां हमने ग्रीन पीवीसी सीट लगा रखी है उस स्लॉट में और दो स्लॉट छोड़कर अगले वाले स्लॉट में डाल देनी है। तो इस तरीके से आपको डाल देना है, थोड़े थोड़े वायर करके डालना है और ध्यान रखना है कि कहीं वायर टूट ना जाए। और फिर इसके ऊपर से पीवीसी शीट वाइट पेपर लगा देना है और इसको अच्छे से लॉक कर देना है। और इधर भी हम लगा कर करते हैं कंप्लीट।
आप एक बार फिर से देख लीजिए कि ग्रीन सीट वाले में ही स्लॉट में इस कॉइल को डालना है। हम आपको इसलिए बार बार दिखाते हैं ताकि आप एक ही बार में आसानी से समझ जाएं। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारी दूसरी कॉइल का इनर है और पहली कॉइल का आउटर दूसरी कॉइल के आउटर से कनेक्ट है और दूसरी कॉइल का इनर वायर तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर से अटैच है। तो अब हम आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाते हैं और अब अगली कॉइल इन दोनों स्लॉट में पड़ेगी एक राउंड और जस्ट इसके पड़ोस वाले स्लॉट में दो राउंड हो जाएंगे। तो अब हम आपको डालकर दिखाते हैं आगे। आपको सेम वैसे ही फोल्ड करके इसको डालना है और जस्ट इसके पड़ोस वाले स्लॉट में यानी कि इसमें और इस वाले में इसमें दोनों में डाल देना है दो राउंड। तो अब हम आपको डालकर दिखा देते हैं स्लॉट एक बार फिर से बता दें इसमें और इसमें दो राउंड डाल देने हैं आपको। तो चलिए डालकर करते हैं कंप्लीट फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा आठों कॉइल हो चुके हैं कंप्लीट और अब हमारे ये चार कनेक्शन के लिए वायर आए हैं ये दो स्टार्टिंग के ये दो रनिंग के और अब हम इनमें करेंगे कनेक्शन सिलाई और आउटपुट कनेक्शन। हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इतने अच्छे से डला हुआ है ये एकदम अच्छे से फिनिशिंग आई है और ये फिनिशिंग दोस्तों प्रैक्टिस के बाद ही आती है जब आप ढेर सारे मोटर रिवाइंड करेंगे तब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कनेक्शन करने के लिए हमको आपको क्या क्या यूज करना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये हमारा 7 नंबर लेदराइड है पेपर है जो कि ये हमारा 3 नंबर स्लीव पाइप है और ये 1 नंबर स्लीव पाइप है और ये धागा है हमारा और ये वायर्स हैं कॉपर वायर लेना है आपको। और अब हम इन वायर्स को जला लेते हैं। तो किस तरीके से आपको जलाना है वो भी हम आपको बताएंगे A to Z प्रोसेस आपको सिखा रहे हैं हम। तो आपको इस तरीके से जलाना होगा हल्की हल्की आंच देकर आपको जला लेना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी पॉलिश जो है वो जल चुकी है। बस इसी तरीके से सभी वायर्स को जलाकर इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है इस तरीके से और फिर करते हैं हम कनेक्शन। और कनेक्शन करने से पहले इसमें हम 1 नंबर स्लीव पाइप डाल देते हैं चारों सिरों में। तो देख सकते हैं हमने स्लीव पाइप डाल दिया है और अब ये जो पेपर है हमारा इसको हम इन स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल्स के बीच में लगा देना है। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल जो हैं उनका एक भी वायर रनिंग कॉइल से अटैच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको अलग अलग करके और बीच में इसको सेपरेटर की तरह लगा देना होता है। तो इसको गोलाई में अच्छे से लगा दें सावधानी पूर्वक। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसको लगाकर कर दिया है कंप्लीट। तो अब हम आपको सिखाते हैं इसके वाइंडिंग कनेक्शन और इसके आउटपुट कनेक्शन भी हम आपको सिखाएंगे। तो देख सकते हैं हमने सीट लगाकर कर दिया है कंप्लीट और अब इसके कनेक्शन करने से पहले जो हमने वायर्स लिए हैं इनमें 3 नंबर स्लीव पाइप्स को डाल देना है ताकि ये जॉइंट को कवर करेंगी और शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और जो फैन है हमारा वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो इन दोनों में हम लगा देते हैं दो दो स्लीव पाइप वायर्स में और अब हम इसको करते हैं कनेक्ट। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले रेड वायर को ले लेना है और जो बाहर वाली कॉइल है यानी कि रनिंग कॉइल उसके दोनों सिरों में जोड़ देना है। दोस्तों हम बता दें जब भी आप वाइंडिंग वायर्स को जलाकर साफ़ करते हैं तो वो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं तभी उसमें वायर को कनेक्ट करें अच्छे से साफ़ करके वरना फिर सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो देख सकते हैं ब्लू वायर हमको अंदर वाली में जोड़ना है और बाहर वाली में हमको लाल वाले वायर जोड़ देना है। तो हमने कनेक्शन कर दिया है कंप्लीट और बचे हुए वायर को हम कट कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर 3 नंबर स्लीव पाइप को चढ़ा देते हैं जो कि हमने वायर में पहले से डाल रखी थी। और फिर हम इसकी करेंगे सिलाई और सिलाई तो आप कर ही लेंगे। ये जो हमारे वायर्स हैं इनको एडजस्ट करके इस तरीके से और आपको
सिलाई कर देना, यानी कि बांध देना है अच्छे से धागे की मदद से। और अब हम आपको दिखाते हैं इसके आगे का प्रोसेस। और आप इसको इस तरीके से भी बांध सकते हैं, जैसा आपका मन कहे उस तरीके से आप बांध सकते हैं। तो अब हम आपको सिखाते हैं कंडेंसर के कनेक्शन। तो ये हमारा 4 MFD का कंडेंसर है और अब हम इन वायर्स को कट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं एक साइड में हमारे 2 रनिंग स्टार्टिंग के हो गए और दूसरी साइड में भी रनिंग और स्टार्टिंग का एक एक वायर हो गया। अब कंडेंसर को किन्हीं भी एक साइड के दोनों वायर्स में जोड़ देना है और एक साइड के दोनों वायर्स को आपस में जोड़कर मेन बना देना है। और एक मेन पे सप्लाई और एक कंडेंसर के उस जॉइंट पर सप्लाई जिस पर खिंचाव सीधी रहे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से मोटर वाइंडिंग करना सीख सकेंगे। तो दोस्तों, यह कनेक्शन एक बार फिर से देख लीजिए। तो अब नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।